हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माय वैम्पायर क्रश। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ, ठीक है। तो फिर जॉन कुक ने युंगी और जीवन के लिए और अपनी बेबी ते के लिए बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना रहा था। ते उसको बोलते हैं, जॉन कुक तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना सारा खाना क्यों बना रहे हो। जॉन कुक बोलते हैं, क्योंकि मुझे अपनी बेबी के लिए खाना बनाना है और तुम इसको खाने वाले हो। ते बोलते, मैं इतना सारा खाना कैसे खा लूँगा, यहाँ पे तो बहुत खाना है, मैं इतने सारे खाना को ख़त्म नहीं कर पाऊँगा। जॉन को कहते, क्यों नहीं, तुम्हारे साथ मेरा बेबी भी तो है और तुम्हारे साथ वो भी खाना खाएगा, तो तुम्हें डबल खाना पड़ेगा। ते बोलते, नहीं मैं इतना नहीं खा पाऊँगा, तुम इतना खाना मत बनाओ, ये वेस्ट हो जाएगा। जॉन कुक बोलते हैं, ये तीन लोगों के लिए खाना है तो वेस्ट नहीं होगा, समझे तुम। तो फिर त्यांग कहते हैं, तीन लोगों के लिए क्यों बनाया है तुमने, बेबी तो मेरी टमी में है ना, तो मैं दो लोग का खाना नहीं खा पाऊँगा। जॉन कुक बोलते हैं, ठीक है वो बाद में देखा जाएगा, तुम अब इतना मत सोचो, चलो कमरे में लेकर चलता हो और तुम रेस्ट करो। त्यांग कहते हैं, नहीं जॉन कुक, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है, तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं तुम्हारे साथ इस तरह से टाइम स्पेंड नहीं कर पाया। तो जॉन कुक कहते हैं, बेबी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो। त्यांग को हक कर लेते हैं बहुत ही टाइटली और कहते हैं, तुम मुझे छोड़ के मत जाना वरना मैं जी नहीं पाऊँगा। त्यांग कहते हैं, नहीं जा रहा हूँ, मुझे ऐसे ही लगा इसलिए मैंने बोल दिया। जॉन कुक उसके बारे में सोच रहा था कि उसने ऐसा क्यों कहा। दोबारा से जॉन कुक के दिमाग में वही सारे बातें आ रहे थे कि क्या मैं त्यांग को वैम्पायर बना दूँ, वो वैम्पायर बन जाएगा तो वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। और फिर त्यांग कहते हैं, क्या सोच रहे हो। जॉन कुक बोलते हैं, कुछ नहीं। त्यांग को कमरे में लेकर जाते हैं और उसको बेड पर सुलाकर बोलते हैं, तुम यहाँ पे रेस्ट करो। त्यांग बोलते हैं, ठीक है लेकिन तुम मेरे पास बैठे रहो। जॉन कुक कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। लेकिन कॉलिंग बेल बज जाते हैं तो त्यांग बोलते हैं, इस टाइम पे कौन आया है। जॉन कुक कहते हैं, मैं देखता हूँ तुम यहीं पे रहो, ठीक है। त्यांग कहते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। तो फिर जॉन कुक बोलते हैं, नहीं तुम यहाँ पे रहो, मैं देख कर आता हूँ। और फिर जॉन कुक दरवाज़ा खोलने के लिए जाते हैं। वो दरवाज़ा खोलते ही जिमिन को देखते हैं, जिमिन के साथ युंगी भी था। जॉन कुक बोलते हैं, क्या ये मिस्टर युंगी है। तो फिर जिमिन कहते हैं, हाँ ये मेरा हस्बैंड युंगी है और युंगी ये है जीवन जॉन कुक ते की हस्बैंड कुकी। युंगी तुरंत कुकी को हक कर लेते हैं और कहते हैं, कुकी तुम वापस आ गए हो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वापस आ गए हो, ते को तुम्हारी ज़रूरत है। ते अंदर से बोलते हैं, जॉन कुक तुम किसके साथ बात कर रहे हो और इतनी देर क्यों लग रहे हैं, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। जॉन कुक कहते हैं, क्या हुआ ते, तुम्हें डर क्यों लग रहा है, तुमने ऐसा क्यों कहा। तो फिर ते तो शॉक हो जाते हैं कि जॉन कुक के साथ जिमिन और युंगी भी उसके कमरे में आते हैं और जिमिन आके त्यांग को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, त्यांग क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना बेबी। जॉन कुक उसको बोलते हैं, हे तुम उसको बेबी मत कहो, ते सिर्फ मेरा बेबी है, वो तुम्हारा बेबी नहीं है। तो युंगी बोलते हैं, हाँ वो तुम्हारा बेबी नहीं है जिमिन, तुम उसको बेबी मत कहो और तुम मेरा बेबी हो। जिमिन शैफिल करके बोलते हैं, ठीक है नहीं कहूँगा, तुम बहुत ही जेलस फील करते हो। जॉन कुक कहते हैं, हाँ त्यांग को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, तो तुम उसको लेकर मेरे सामने ऐसा कुछ मत बोला करो। त्यांग जॉन कुक को बोलते हैं, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं कि ये दोनों आने वाले हैं, तुम्हें पहले से ही पता था ना, इसलिए तुम इतना सारा खाना बना रहे थे। तो फिर जॉन कुक बोलते हैं, हाँ मैंने इतना सारा खाना इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हारे सोलमेट और उसके हस्बैंड आने वाले हैं, तो मुझे तो खाना बनाना ही था, और तुम तो नहीं बना सकते हो क्योंकि मैं तुम्हें नहीं बनाने दूँगा, और मैंने कोई शेफ भी नहीं रखा है घर में, तो मुझे ही बनाना पड़ा और बहुत टेस्टी बने हैं खाना, क्या तुम लोग टेस्ट करना चाहोगे। जिमिन कहते हैं, मुझे तो सुन के ही भूख लग गए, चलो खाना खाने के लिए चलते हैं। और फिर डाइनिंग टेबल पे सब लोग आके बैठ जाते हैं और फिर खाना खाने लगते हैं। सब लोग के बीच में बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन हो रहे थे और फिर जिमिन त्यांग को कहते हैं, तो फिर ठीक है तुम अपना ध्यान रखना और मुझे लगता है ये बेबी बहुत ही ज़्यादा क्यूट होने वाले हैं, लेकिन क्या तुम मुझे एक बात बता सकते हो जॉन कुक, ये बेबी क्या वैम्पायर होने वाला है या फिर कोई इंसान।
तो जॉन कुक बोलते हैं, वैम्पायर हो या इंसान क्या फ़र्क पड़ता है, वो ते और मेरा प्यार की निशानी होगा, यही हमारे लिए काफ़ी है। क्यों ते, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर हमारा बच्चा एक वैम्पायर हुआ तो? ते कहते हैं, नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो इंसान हो या वैम्पायर वो तुम्हारे जैसा होना चाहिए जॉन कुक। तो फिर जॉन कुक उसको कहते हैं, लेकिन ते तुमने तो कहा था तुम्हें एक इंसानी बच्चा चाहिए ताकि उसको कोई मजाक ना कराए, उसके साथ सब लोग अच्छी तरह से बात करें, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो फिर त्यांग बोलते हैं, मैंने बहुत सोचा है, मुझे अब एक बेबी वैम्पायर हो या फिर इंसान कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं उसको उतना ही प्यार दूंगा चाहे वो इंसान हो या वैम्पायर। अगर मैं तुम्हें और कुकी में कोई फ़र्क नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि कुक हो या जॉन कुक तुम मेरे हस्बैंड हो, तो मैं अपने बच्चों के साथ कैसे फ़र्क कर सकता हूँ? वो इंसान हो या वैम्पायर क्या फ़र्क पड़ता है, वो मेरा बच्चा है, यही काफ़ी है। जॉन कुक कहते हैं, तुम्हारा नहीं हम दोनों का, और हमारी प्यार की निशानी है। त्यांग कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीवी को बर्थ करने वाला हूँ, मेरे अंदर ये क्वालिटी है। तो फिर जिमिन कहते हैं, युंगी मुझे भी बच्चा चाहिए। युंगी कहते हैं, इसके लिए तुम्हें घर आना पड़ेगा, चलो घर चलते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें एक बहुत प्यारा सा बीवी दिलाता हूँ। जिमिन कहते हैं, तुम भी ना कैसी बातें कर रहे हो, ऐसे कोई बोलते हैं क्या? जिमिन की बात सुन के युंगी बोलते हैं, तुम भी तो ऐसे ही मुझे बोल रहे हो कि मुझे एक बच्चा चाहिए, बात सुन के ऐसा लग रहा था कि मैं अभी तुम्हें एक बच्चा दे दूँगा, तो चलो घर जाकर तुम्हें बच्चा देते हैं। जिमिन बोलते हैं, युंगी तुम्हारे मुँह में ऐसी बातें सुन के मुझे बहुत ही शाय फील हो रहा है, क्योंकि तुम कभी इस तरीके की बात नहीं करते हो। युंगी कहते हैं, आज करने का मन किया, जॉन कुक को देख के इंस्पायर हुआ मैं। जिमिन कहते हैं, हाँ ते कितना लकी है, उसको जॉन कुक जैसा हस्बैंड मिला। तो युंगी कहते हैं, क्यों तुम लकी नहीं हो, तुम्हारे पास मेरे जैसा हस्बैंड है, सब लोग मुझसे शादी करने के लिए पागल हो जाते हैं, लेकिन मैंने तुमसे शादी किया है, तो फिर तुम लकी कैसे नहीं हुए? जिमिन कहते हैं, मैंने उस तरह से नहीं सोचा है, मैं तो ऐसे ही कह दिया मजाक आने के लिए, क्या तुम गुस्सा हो गए हो? युंगी कहते हैं, जिमिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत दिन से बोलने के लिए सोच रहा था लेकिन नहीं बोल पाया, लेकिन मैंने सोचा कि आज बोल ही देता हो। जिमिन कहते हैं, ऐसी कौन सी बात है जो तुमने अभी तक नहीं कहा है मुझसे, चलो जल्दी से बताओ। युंगी कहते हैं, मैं भी एक वैम्पायर हूँ, लेकिन मैंने तुमसे कभी कहा नहीं, मुझे लगता था कि तुम डर जाओगे, तुमने अपनी सोलमेट के हस्बैंड को मान लिया है तो मुझे भी एक्सेप्ट कर ही लोगे, इसलिए मैंने आज सच बता दिया, क्या तुम अभी डर तो नहीं रहे हो ना मुझसे? जिमिन कहते हैं, क्या तुम एक वैम्पायर हो? और खुश होकर युंगी को गले लगा लेते हैं। युंगी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि जिमिन ये बात सुन के उसको पीटेगा, लेकिन वो उसको हक कर लेते हैं। तो युंगी कहते हैं, तुम इतना खुश हो मैं वैम्पायर हूँ ये सुन के? तो जिमिन कहते हैं, हाँ हाँ, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ इसलिए क्योंकि मुझे भी फील करना है कि अगर अपने पार्टनर वैम्पायर हो तो कैसा लगता है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी फीलिंग्स होंगे। क्या युंगी तुम सच में वैम्पायर हो? तो फिर वो तीनों हंसने लगते हैं, जॉन कुक युंगी और ते, बोलते हैं, जिमिन तुम कितने भोले हो, तुम मेरे लिए इतना सोचते हो लेकिन जब खुद के बारे में आते हैं तो एक बच्चे जैसा बन जाते हो और सब कुछ भूल जाते हो कि युंगी तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हैं, तुमने इस पे यकीन कर लिया है, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, तुम मेरा सोलमेट हो ना? त्यांग की बात सुन के जिमिन कहते हैं, तुम सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं तुम सबसे नाराज़ हूँ। जॉन कुक कहते हैं, नाराज़ मत हो, लो इस जूस को पियो। तो फिर जिमिन कहते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा रेड कलर का था, जिमिन उसको पीते हैं तो जॉन कुक उसको कहते हैं, लो तुमने तो अभी ब्लड पीना भी शुरू कर दिया है, तुम भी वैम्पायर बन जाओगे उसके बाद। जिमिन कहते हैं, क्या ये वैम्पायर की ब्लड था क्या? जॉन कुक कहते हैं, हाँ मैंने ये त्यांग के लिए रखा था लेकिन गलती से तुम्हें दे दिया, अब तुमने इसको पी लिया है तो क्या कर सकते हैं, अब तुम वैम्पायर बन जाओगे और तुम्हारा और मेरा एक कनेक्शन बन जाएगा। जिमिन कहते हैं, जॉन कुक ऐसा नहीं हो सकते हैं, तुम मजाक कर रहे हो ना? जॉन कुक कहते हैं, नहीं मैं सच बता रहा हूँ। तो फिर जिमिन रोने लगते हैं कि नहीं मुझे युंगी के साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ कनेक्शन नहीं बनाना है, और युंगी को कस के पकड़ लेते हैं।
तो वो लोग दोबारा से हंसने लगते हैं। तो अब जिमिन गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं, तुम लोग बहुत ख़राब हो, तुम सब मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। त्यांग जिमिन को पकड़ के बोलते हैं, अब गुस्सा मत करो, अब जल्दी से हंस दो प्लीज़, तुम मेरा सोलमेट हो ना, और देखो मेरा बेबी भी तुम्हारे लिए ये बोल रहे हैं कि प्लीज़ रो मत। और फिर देखो वो किक कर रहे हैं। जिमिन जल्दी से अपने हाथ को त्यांग की टमी में रखते हैं और कहते हैं, क्या अभी से? तो त्यांग बोलते हैं, नहीं मैं मजाक कर रहा था। तो दोबारा से जिमिन की मजाक कराया गया। जिमिन अब गुस्से से बोलते हैं, तुम भी? और मुस्कुराने लगते हैं। तो ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद फिर योंगी और जिमिन यहाँ से चले जाते हैं। अब त्यांग और जोंगकुक घर में था। जोंगकुक त्यांग को गले लगा कर कहते हैं, त्यांग मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी नहीं खुद से अलग होने दूंगा। त्यांग कहते हैं, मैं भी तुमसे कभी अलग नहीं होऊंगा, ठीक है चलो आप सो जाओ। तो फिर वो कहते हैं, तुम सो जाओ, और उसकी फोरहेड पे किस करते हैं। जोंगकुक सो नहीं रहे थे, वो सिर्फ त्यांग को देखे जा रहे थे। मैंने सुना है कि वैम्पायर नहीं सोते हैं। गाइस मुझे पता नहीं, तो मुझे वैम्पायर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब त्यांग जोंगकुक को कहते हैं, जोंगकुक तुम्हें ब्लड की ज़रूरत होंगे ना, तुम मेरा ब्लड पीना चाहोगे तो पी सकते हो, मैं जानता हूँ तुम मेरे ब्लड पीते हो, लेकिन उसको ठीक भी कर देते हो जिस वजह से मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन अगर तुम्हें मेरा ब्लड पीना है तो पी लो, तुमने बहुत दिनों से मेरा ब्लड नहीं पिया है। जोंगकुक कहते, नहीं अब मैं तुम्हारा ब्लड नहीं पी सकता हूँ, हाँ तुम्हारा ब्लड बहुत टेस्टी है और बहुत ही खुशबूदार। त्यांग कहते हैं, तुम मेरा ब्लड क्यों नहीं पी सकते हो, पी लो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे भी मैं इतना सारा जूस और फ्रूट खाता हूँ तो मुझे कुछ नहीं होगा, और अच्छा अच्छा खाना भी तो तुम मुझे खिलाते हो, इतना टेस्टी सूप पिलाते हो। जोंगकुक बोलते हैं, नहीं अब तुम बेबी को जन्म देने वाले हो, अब मैं तुम्हारा ब्लड नहीं पी सकता क्योंकि तुम्हारे शरीर में खून की ज़रूरत है। तो जोंगकुक को त्यांग बोलते हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ वो सब कुछ करो और मेरे ब्लड को तुम पियो, मुझे कुछ नहीं होगा, मेरी बेबी को भी कुछ नहीं होगा, वो भी यही चाहते हैं, क्योंकि त्यांग को कुछ दिन ही हुए हैं कि उसको बेबी की खबर मिले। तो आप जोंगकुक को वो फोर्स कर रहे थे कि प्लीज़ मेरे ब्लड को पी लो। जोंगकुक बहुत ही मना कर रहा था, लेकिन त्यांग की इतना ज़बरदस्ती फोर्स करने की वजह से वो तैयार हो जाते हैं। और फिर त्यांग को पहली किस करते हैं, उसकी पूरी फेस पे किस कर रहा था क्योंकि त्यांग ने कहा उसके साथ लव मेकिंग करने के लिए। त्यांग का मन हो रहा था तो जोंगकुक ने त्यांग की पूरी फेस पे किस कर रहा था और ऐसे ही किस करते जा रहा था। धीरे धीरे से वो उसकी गले पे एक बाइट करते हैं और उसका खून पीना शुरू करते हैं। त्यांग अब समझ रहे थे कि जोंगकुक उसका ब्लड पी रहे हैं, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि जोंगकुक ने उसका ब्लड पिया। यही सोच के वो खुश हो रहे थे कि मैं अपनी हस्बैंड की कोई काम में तो आ सका। अब वो उसको कह रहे थे, तुम्हें जितना पीना है तुम पी सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और ना ही हमारी बेबी को। तो फिर जोंगकुक उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था। अब जोंगकुक ने अपनी फिंगर से त्यांग के गले के जो निशान बने थे उसके ब्लड पीने से वो ठीक कर देते हैं, लेकिन अंदर के ज़ख्म वो ठीक नहीं कर पाते हैं, वो सिर्फ ऊपर के ज़ख्म ही ठीक कर पाते हैं। तो फिर वो उसके साथ धीरे धीरे से वो सब कुछ करना शुरू करते हैं और उन दोनों के बीच में वो सब कुछ इंटीमेट वाला सीन भी होते हैं। तो आखिर में ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे, दोनों बहुत खुश थे और आखिर में त्यांग अब बेबी को जन्म देने वाले हैं। जोंगकुक त्यांग को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। जिमिन और योंगी भी हॉस्पिटल आ गए थे क्योंकि उन लोगों को जैसे ही खबर मिला कि त्यांग बेबी को जन्म देने वाले हैं वो लोग भी आके पहुंच गए हैं। और फिर डॉक्टर ने कहा कि त्यांग की तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, अगर बेबी को जन्म देने के टाइम पे किसी एक को बचाना होगा तो वो किसको बचाएगा। जोंगकुक कहते हैं, मेरी त्यांग को, क्योंकि वो अगर ज़िंदा रहेगा तो बेबी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको कुछ हो जाएगा तो मैं कैसे जी पाऊँगा। तो फिर त्यांग कहते हैं, नहीं मुझे बच्चा भी चाहिए और मैं तुम्हारे साथ भी रहना चाहता हूँ। जोंगकुक प्लीज़ तुम मेरी बात सुनो,
मैंने तुमसे मना किया था कि मैं वैम्पायर नहीं बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं वैम्पायर बन जाता हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे हस्बैंड अगर वैम्पायर है तो मैं क्यों नहीं वैम्पायर बन सकता हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ एक बात का ही टेंशन था हमेशा, कि अगर मैं वैम्पायर बन जाऊँगा तो तुम किसके ब्लड पियोगे। जॉन को कहते हैं, इसके बारे में तुम मत सोचो और तुम सिर्फ अपने बारे में सोचो और बेबी के बारे में सोचो। तो फिर जॉन को कहते हैं, मैं वैम्पायर बनना चाहता हूँ जॉन को, और फिर मेरी बेबी अगर वैम्पायर बनते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने पहले कहा था लोग उसको किस तरह से उसके साथ ट्रीट करेगा, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उसके डैड वैम्पायर है और मैं भी वैम्पायर बन जाऊँगा, वो भी वैम्पायर बन जाएंगे, और फिर हम तीनों बहुत दूर चले जाएंगे जहाँ पे हम लोगों को कोई ढूंढ नहीं पाएगा। जॉन को कहते हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझ गए तुम। तो फिर चलो मैं तुम्हें अपना ब्लड पिलाता हूँ ताकि तुम वैम्पायर बन सको। जॉन को अपनी होठों पे अपनी टीथ से काट लेते हैं और त्यांग को कहते हैं, इसको पी लो। तो फिर त्यांग उसको किस करते हुए उसका ब्लड पीते हैं और वो भी वैम्पायर बन जाते हैं। डॉक्टर ये सब कुछ देख के डर जाते हैं और उसकी ऑपरेशन करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं, यहाँ पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम लोग वैम्पायर हो। तो फिर त्यांग और जॉन को डॉक्टर को बोलते हैं, अगर यहाँ से भागने की कोशिश किया ना तो हम लोग तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारा हार्ट खा जाएंगे, समझे तुम। जल्दी से उसके ऑपरेशन करो और बेबी को अच्छी तरह से दुनिया में लाना, ठीक है। डॉक्टर कहते हैं, एक कैसी धमकी है और तुम लोग ऐसा मुझे धमका नहीं सकते हो। तो फिर त्यांग और जॉन को कहते हैं, हम लोग सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश करें, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तुम सिर्फ त्यांग की ऑपरेशन कर लो ताकि हमारी बेबी को कुछ ना हो। डॉक्टर कहते हैं, ठीक है। और फिर जॉन को कहते हैं, इस बात को सीक्रेट रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम वैम्पायर्स हैं। तो डॉक्टर कहते हैं, लेकिन तुम लोग भी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम लोग मुझे कुछ नहीं करोगे। जॉन को मुस्करा के कहते हैं, कुछ नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। और फिर डॉक्टर को कहते हैं, आप डरिए मत, हम तो सिर्फ मजबूरी में ये सब कुछ कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या हुआ था। तो फिर त्यांग कहते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। जॉन को कहते हैं, इस टाइम पे नहीं, बाद में, अभी बेबी को दुनिया में लाने की ज़रूरत है। डॉक्टर कहते हैं, हाँ मेरा भी यही काम है, तो मैं इसको पूरा करता हूँ, ठीक है, उसके बाद मुझे भी जानना है। तो फिर त्यांग को अच्छे से बेबी हो जाते हैं, बेबी बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही क्यूट है। जॉन को त्यांग दोनों ही बहुत खुश हैं। तो फिर जॉन को का त्यांग डॉक्टर को सारी बात बताते हैं। तो फिर डॉक्टर भी इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। सो गाइस यहाँ पे ख़त्म करें, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना। मुझे वैम्पायर के बारे में इतना पता नहीं है यार, और मैंने किसी की एक्सप्लेन भी नहीं सुनती हूँ, मुझे इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं, तो कुछ गलती हो जाए तो बुरा मत मानना, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।